है ना बेटा। तो इसकी टेक्निक मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल कैसे याद है करनी है, जैसे मान लीजिए आपको एक भी वैल्यू नहीं याद है, तो आपने सबसे पहले ये टेबल बनानी है विद इन वन मिनट। प्रैक्टिस करेंगे बेटा आराम से, एक मिनट के अंदर बन जाती है, एक मिनट के अंदर, है ना। सिंपली क्या करें बेटा, हमको साइन थीटा का सबसे पहले कंसंट्रेट करना है। तो ये 90 डिग्री होता है हमारा, क्या मानो कि ये आपका एक 90 डिग्री पे बना लेना है, ठीक। इसको 30-30 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करने हैं। कितने कितने एंगल्स में बेटा, ये भी 30, ये भी कितना 30, है ना। फिर आपने इसके बीच से लाइन खींच देनी है, वो कितने की होगी, 15 और 15 की। क्लियर बेटा, समझ गए ना। फिर नंबरिंग इस पे कर देनी है, 0, 1, 2, 3 और ये 4। यहाँ से एक फार्मूला, मतलब ट्रिक है ये, कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है। साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अपॉन एन बाई 4 का कॉन्सेप्ट लगाना है। एन क्या होगा आपका यहाँ पे बेटा, नंबर, ठीक, नंबर ऑन लाइंस, ठीक बेटा, जो लाइन पे नंबर है। अब हम बेटा यहां से साइन 0 का निकालने जा रहे हैं, किसका निकालने है बेटा, साइन 0। तो साइन 0 जाइए आप, तो कितने कितना नंबर है साइन 0 पे, यहां पे एंगल कितना होगा, इसी लाइन के लॉन्ग एंगल कितना होगा, 0। तो साइन 0 पे रूट 0/4 इक्वल टू कितना बेटा, 0। यहां से देखिए बेटा 30 डिग्री, जब आपने यहां से 30 डिग्री पे गए तो कौन सी लाइन मिली, ये वाली लाइन, कितना है 1, तो 1/4 कितना बेटा, 1 अपॉन, कोई दिक्कत, सही है ना, फर्स्ट नंबर है ना। चलिए साइन 45 डिग्री, ओके, साइन 45 डिग्री ध्यान से देखो किस लाइन पे गया, यहां से 45 मेजर करो, 30 प्लस 15 कितना हुआ बेटा, 45 का मतलब आप किस वाली लाइन पे पहुंच गए, सेकंड वाली लाइन पे। तो यहां से क्या लगाएंगे फार्मूला अपना, 2/4, यानी नंबर जो है 2/4 है ना, कितना आया बेटा यहां से, तो ये कट जाएगा 1/4, यानी सॉरी हाँ सही है ना, 1/2 आएगा, ओके, ये 2/2 कैंसिल होगा ना, 2 यहां से आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, 45 की वैल्यू आ गई बेटा 1/√2। और यहां से ध्यान से देखो फिर आपको कौन सा 60 डिग्री, यहां से 60 डिग्री गए तो कौन सी लाइन, 30 प्लस 15 प्लस 15, टोटल कितना बेटा 60 डिग्री, कितना हुआ 60 डिग्री। तो आप 60 डिग्री पे पहुंचे तो कौन सा नंबर मिला, 3। तो यहां से साइन 60 बराबर कितना आएगा आपका, √3/4, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, रूट ऊपर चला जाएगा, √3/2। अगला बेटा साइन 90, यानी कौन सी लाइन पे आप, साइन 90 का मतलब 30, 40, 60, 30, 90, टोटल एंगल यहां से ये 90 हुआ ना, किस लाइन पे पहुंचा आप, फोर्थ पे, 4/4 मस्ट बी इक्वल टू कितना बेटा, 1। तो यहां से साइन 0 की वैल्यू कितनी आई बेटा, 0, 30 की √3/, इसकी वैल्यू 1 आ गई ना बेटा। अच्छा कॉस जस्ट इसका रिवर्स ले लिया जाता है, कॉस क्या किया जाता है इसका रिवर्स, 90 का 0 पे, फिर बेटा 60 का 30 पे, मतलब इधर से दूसरा तो इधर से दूसरा फिल करना है, इसी ये बीच में है तो यही रहेगा, फिर आपको बेटा इधर से चौथा, इधर से चौथा, तो 1/2, लास्ट 1/0। टैन थीटा बराबर बेटा, अभी अभी हमने फॉर्मूला बताया था, टैन थीटा बराबर क्या बताया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू बोला था कि नहीं, बताया था ना। तो साइन अपॉन कॉस करोगे बेटा 0/1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0, 1/√2 और √3/2 करोगे तो कितना आएगा, 1/√3, इसको आप बाहर डिवाइड कर लो, 1/2 और डिवाइडेड बाई 1/√3/2, तो 2/2 कैंसिल, ये आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे बेटा तो सिमिलर है 1 आ जाएगा, यहाँ √3/2, 1/2, 2/2 कैंसिल तो कितना √3, ये अनडिफाइंड आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट का मतलब अनडिफाइंड, क्लियर बेटा। और टैन इसका रेसिप्रोकल होता है तो जस्ट रिवर्स कर दो, ये अनडिफाइंड, ये वाला √3 इधर से दूसरा तो इधर से दूसरा, समझ गए ना, ये 1 हो जाएगा बीच में है, इधर से चौथा तो इधर से चौथा फिल किया जाएगा बेटा, और ये 0। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/
कॉस थीटा, तो वन अपॉन कॉस थीटा का मतलब कॉस ये है, इसको बस पलट दो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का, तो वन बाई वन कितना होगा बेटा वन, इसी तरीके से टू अपॉन रूट थ्री, इसी तरीके से रूट टू, वन लिखो नीचे चाहे ना लिखो, ये क्या आ जाएगा बेटा अनडिफाइंड, और ये इसका रेसिप्रोकल होता है इनफाइनाइट टू रूट टू, टू बाई रूट थ्री और ये वन, समझ गए ना बेटा। तो आपको विद इन वन मिनट ये टेबल प्रॉपर प्रिपेयर करनी है, देन आफ्टर आपको समझ गए ना, तो ये टेबल जब आप प्रिपेयर कर लेंगे देन आफ्टर आप एलिजिबल हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कोई भी क्वेश्चन होगा हम इसी टेबल की मदद से करेंगे। ये टेक्निक है निकालने की, आई होप आपको ये मेरी बनाई हुई ट्रिक आपको समझ में आई होगी, है ना। ठीक, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए बनाए हैं, बाकी आप इसको याद करना हो तो याद भी कर लीजिए, नहीं तो आप निकाल भी सकते हो, बट ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, है ना बेटा। तो चलिए हम लोग कहाँ चलते हैं, क्वेश्चंस पे, क्लियर।